कि राज्य के नौजवानों को हुनरमंद और बेरोजगारी भत्ता सरकार देगी। तो विभिन्न प्राइवेट संस्थानों में लगभग अभी तक हम लोगों ने 20,000 से अधिक नौजवानों को अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग संस्थाओं में। अगर आपके हाथ में हुनर है तो आप जीवन में कभी भी भूखा नहीं मर सकते। जैसे रेलवे में नौकरियों की हालत है, रेल भी सारे प्राइवेटाइज हो गए, नौजवान नौकरी छोड़ छोड़ कर स्वरोजगार की ओर जा रहे हैं। चलता कि मुर्गी पालन कर रहा है, बकरी पालन कर रहा है, सुअर फार्मिंग कर रहा है। लड़कियों के विषय में 8वां 9वां क्लास पास होती नहीं है, माँ बाप उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगे। जो नियुक्तियां हैं जिनको सरकार की नौकरी में शामिल होने, आप लोग ट्रेनिंग लेकर के भी सरकार की जो अभी नियुक्तियां निकलने वाली है हजारों की संख्या में, उसमें में ही आप लोग अपना किस्मत आजमा सकते हैं। और आप लोगों ने तो देखा कि हम लोगों ने किस तरीके से बड़े पैमाने पर एक के बाद एक नियुक्ति की, जो इस राज्य में जो सबसे पहले जरूरत थी, जो सरकार बनने के बाद उन सब पदाधिकारियों की इस राज्य में आवश्यकता थी, वो सारे पदाधिकारी आज हो रहे हैं नियुक्त। क्यों? आज जिस तरीके से मौसम आग में चौनी खेल रहा है, आज किसान त्राही माम है कि हम खेती करें कि नहीं करें। आज उन किसानों को वर्तमान बदलते पर्यावरण के परिस्थिति पर किस तरीके की खेती होनी चाहिए, इसको कौन बताएगा? इसीलिए हम लोगों ने इस राज्य में पहली बार कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति की और आज जिला जिला में लोग किसानों के साथ वो जुड़े हुए। आज यहाँ रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में कौशल विकास विभाग के अंतर्गत झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के द्वारा आयोजित बिरसा योजना एवं रोजगार प्रोत्साहन भत्ता परिवहन भत्ता शुभारंभ समारोह में हमारे साथ उपस्थित मंच पर हमारे सहयोगी मंत्री आदरणीय आलमगीर आलम साहब, आज मंच पर उपस्थित श्रम विभाग मंत्री भाई सत्यानंद भुक्ता जी, उपस्थित विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा जी, श्रम आयुक्त संजीव बेसरा जी, अपर सचिव अमित प्रकाश जी, अपर सचिव श्रम रोजगार विभाग पवन कुमार जी, उपस्थित सभी पदाधिकारीगण और विशेषकर आज इस बिरसा योजना रोजगार प्रोत्साहन भत्ता एवं परिवहन भत्ता समारोह में उपस्थित सभी छात्र छात्राएं और ट्रेनिंग देने वाले सभी सदस्यगण, आप सभी का आज इस समारोह में उपस्थित होने के लिए मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए
अपनी ओर से जोहार करता हूं। आपने आज के इस कार्यक्रम का लगभग पूरा विवरणी कुछ विभाग के द्वारा बनाए गए विज्ञापन सामग्री के माध्यम से देखा और कई बातें मंच से भी आपने सुना। जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे उस समय हमने ये वादा किया था कि राज्य के नौजवानों को हुनरमंद और बेरोजगारी भत्ता सरकार देगी। मैं उस बेरोजगारी भत्ता को नहीं कहते हुए मैं उसको प्रोत्साहन राशि या प्रोत्साहन भत्ता कहना चाहूंगा। और कई कार्यक्रमों को संचालित करते हुए कई योजनाओं को लागू करते हुए और वादों के अनुरूप सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए और सरकार के उन्हीं में से एक वादा आज फिर से ये हम लोग पूरा करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग बड़े पैमाने पर हमारे पढ़े लिखे छात्र छात्राओं को हुनरमंद बनाएंगे ताकि उसको आने वाला समय में कहीं पर भी रोजगार पाने में ये ट्रेनिंग उनके लिए एक मील का पत्थर साबित हो। यूं तो सरकार शिक्षित को भी ट्रेनिंग दे रही है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी ट्रेनिंग दे रही है, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है। आज कई विभागों के माध्यम से हम लोग ऐसे कार्यक्रमों को चला रहे हैं। कल्याण विभाग के माध्यम से भी कई संस्थाओं में बड़े पैमाने पर राज्य के नौजवानों को ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है, ट्रेनिंग करके प्लेसमेंट भी उनका हो रहा है। हमने तो लगभग सरकारी नौकरियों को अगर हम छोड़ दें तो विभिन्न प्राइवेट संस्थानों में लगभग अभी तक हम लोगों ने 20,000 से अधिक नौजवानों को अलग अलग कंपनियों में अलग अलग संस्थाओं में रोजगार के लिए पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। और जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हमारे नौजवान हैं, उनका हमारे पास लगातार उनके यहाँ एक हम मॉनिटरिंग भी करते हैं कि वर्तमान में वो नौजवान किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और बहुत खुशी होती है जब कोई भी नौजवान अपने पैरों पर खड़ा होता है, अपने घर में
कमाया हुआ पैसा भेजता है, तब अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके परिवार में कितनी खुशियां होती होंगी। स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास हर इंसान के लिए जरूरी है। आज के दिन में अगर आपके हाथ में हुनर है तो आप जीवन में कभी भी भूखा नहीं मर सकते। और आज के दिन में जिस तरीके से कार्यशैली में, आम रोजगार में, घरेलू कार्यों में, उद्योगों में कार्य करने की जो पद्धति बदल रही है, अगर लोग हुनरमंद नहीं है, स्किल्ड नहीं, ट्रेंड नहीं है, तो वो दिहाड़ी मजदूर के बराबर हो जाता है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां मशीनों का उपयोग करती हैं। आज लगभग काम मशीन के द्वारा संचालित होती है। आज इसीलिए कारपेंटरी का भी काम करना होगा तो तकनीक के रूप से आपको कौशल होना पड़ेगा। आपको नर्स बनना पड़ेगा तो भी तकनीकी रूप से कौशल होना पड़ेगा। आप ईटा जुड़ाई करने वाले भी हैं, मिस्त्री, तो भी तकनीकी रूप से आपको कौशल होना पड़ेगा। घर रंगाई पोताई करते हैं, बिजली का काम करते हैं, उसमें भी कौशल की आवश्यकता होती है। और आज ऐसे कौशल और स्किल्ड नौजवानों की बहुत ज्यादा पूछ होती है। झारखंड और हमारे इस तरीके के जो पिछड़े राज्य हैं, आमतौर पर यहां पर लोग मजदूर तबके के लोग हैं। धीरे धीरे सभी कार्य अब मशीन उन कामों को करना प्रारंभ कर दिया। अगर आज हमारे नौजवान या मजदूर भी स्किल्ड नहीं होंगे तो उनको बाजार में नौकरियां भी, कोई रोजगार भी नहीं मिलेगा। आज इसीलिए शिक्षा के साथ साथ हुनरमंद भी होना एक मास्टर डिग्री के बराबर है। एक समय हुआ करता था कि इंजीनियर बन गए तो नौकरी लग गई, MBBS हो गया तो डॉक्टर बन गए। अब ऐसा नहीं है। इंजीनियर के बाद मैनेजमेंट करना पड़ता है, आपको वर्षों का कार्य अनुभव की आवश्यकता आने लगती है, कहीं आप नौकरी की तलाश में जाते हैं। आज जिस तरीके से रोजगार का आलम है, गांव देहात का किसान का बेटा, अधिकतर लोग पहले नौकरी में जाता था सेना बनने के लिए, फौज में जाता था लोग, लेकिन आज केंद्र सरकार ने फौज की नियुक्ति के ऐसे कानून में बदलाव कर दिया कि जहां अब आप फौज में जाएंगे कि नहीं जाएंगे
इसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। फिर उसके बाद गांव देहात के जो थोड़े बहुत लोग पढ़ लेते थे वो नौजवान बैंकों में सबसे अधिक नौकरी करने जाता था, लेकिन वर्तमान समय में देश में किस तरीके से बैंकों का मर्जर हुआ आप सबको पता है। जहां 100 बैंक था वहां 25 बैंकों के जिम्मे आ गया सारा काम। जहां 100 बैंकों में लोग काम करते थे स्वाभाविक रूप से है उसमें लोगों की कमी आएगी, तो आप बैंकों में भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी। उसके बाद थोड़ा और भी पढ़ लिया, कुछ टेक्निकल, कुछ थोड़ा सब मिला जुला के ग्रेजुएट वगैरह कर लिया, तो हमारा गांव देहात का नौजवान रेलवे में नौकरी करने जाता था। लेकिन आज जिस तरीके से रेलवे में नौकरियों की हालात है, रेल भी सारे प्राइवेटाइज हो गए हैं, सारे लगभग धीरे धीरे जो रेलवे स्टेशन है वो भी बिक रहे हैं, वो भी प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है। तो आप तो सरकारी नौकरी जो बड़े पैमाने पे हुआ करता था पहले वो लगभग मोटा मोटी बंद। इसीलिए आज कई खबरों को मैं देखता हूं जहां अच्छे खासे ग्रेजुएट लड़के लोग लाखों का पैकेज में नौकरी करने वाले नौजवान नौकरी छोड़ छोड़ कर स्वरोजगार की ओर जा रहे हैं। कोई आम बगान लगा करके कर रहा है, कोई पता चलता कि मुर्गी पालन कर रहा है, बकरी पालन कर रहा है, सुअर फार्मिंग कर रहा है, कई सारे मछली पालन कर रहा है। अपने साथ साथ एक दर्जन आधा दर्जन लोगों को भी जोड़ रखा है। पहले जिस कंपनी में वो एक कर्मचारी के रूप में काम करता था, अब वो स्वरोजगार सृजन करके उसका मालिक बन करके काम करता है। तो सरकार इस दिशा में भी कई योजनाएं आपके समक्ष रखी है जिससे आप अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हुनरमंद जो काम आपको करना है और वो आपको नहीं आता है तो उसको सीखने के लिए भी सेंटर आज हम लोगों ने आप ही के प्रखंड के स्तर पर खोलने का काम हम लोगों ने आज शुभारंभ कर दिया। पहले मुख्य जिलों में होता था, बड़े बड़े जिलों में सेंटर होते थे, अब प्रखंड स्तरों में होने जा रहे हैं। और आपके सहूलियत के लिए, ताकि आप निश्चित रूप से ट्रेनिंग लें, और चूंकि इस राज्य में गरीबी भी बहुत अधिक है तो सरकार ने आपके लिए आने जाने के लिए परिवहन प्रोत्साहन भत्ता भी देने का निर्णय लिया। पहले भी हम लोगों ने शिक्षा को लेकर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। आज इस राज्य के गरीब गुरुवार लोगों के परिवारों को अपने बच्चों को पढ़ाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब उसका सारा का सारा जिम्मेवारी सरकार वहन करेगी, ये हमने निर्णय ले रखा है। आमतौर पर गांव देहात में विशेषकर लड़कियों के विषय में 8वां-9वां क्लास पास होती नहीं है, माँ बाप उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है, और वो करे भी तो क्या करे, गरीबी इतनी है।
यहाँ तो अपना पेट नहीं पल रहा, और कितने घर की संख्याएं बढ़ाए क्या उनका पेट पाल पाए। आज कई विषयों को लेकर हम तो वैसे भी पिछड़े राज्य के पंक्ति में सबसे टॉप में है। आज देश की स्थिति यह है कि 80% लोग आज सरकारी राशन पर जीवित रहने के लिए मजबूर हुए पड़े। आज देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, महंगाई आसमान छू रहा है, और महंगाई गरीब और अमीर के लिए अलग अलग नहीं होता है, सबके लिए बराबर होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा अपनी रूढ़िवादी सोच से बाहर आकर के काम करना पड़ेगा, और उस काम को जो आप करना चाहते हैं उस काम में आपको सहयोग करने के लिए सरकार आपके साथ साय की तरह खड़ा है। कभी आप लोगों ने सोचा था कि झारखंड का यहाँ का आदिवासी दलित पिछड़ा बच्चा विदेश में पढ़ने जाएगा? लेकिन आप लोगों ने यह सुना है कि नहीं सुना है कि अब झारखंड में आदिवासी दलित पिछड़ों के बच्चे विदेशों में पढ़ाई करने जा रहे हैं, उसका 100% खर्चा राज्य सरकार दे रही है? आप लोग सुने हैं कि नहीं बात? झारखंड के बच्चे विदेश में पढ़ाई करने जाते हैं, सुने हैं? तो आप भी जा सकते हैं। अब आपको पढ़ने के लिए पैसे का अभाव आपके पास नहीं है। फूले योजना से बच्चियों को हम लोगों ने जोड़ने का काम किया है, लगभग 8-9 लाख बच्चियों को, इस राज्य के नौजवानों को इंजीनियर, मेडिकल, किसी भी हायर एजुकेशन की तैयारी करने के लिए भी जो कोचिंग में उसको खर्चा लगेगा सरकार उसको खर्चा देगी, ये भी कानून हमने बनाया।